आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के जल्लीपल्ली गांव से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। सरपंच और उसके दो साथियों ने एक महिला को इसलिए सरेआम लातों घूंसों से पीटा कि उसने सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में नजर आ रहा है कि गांव का सरपंच अपने दो साथियों के साथ मिलकर महिला को बुरी तरह पीट रहा है। वीडियो में मौजूद सुधा नाम की महिला ने अपने भाइयों के साथ मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में दिखता है कि सरपंच मिकाला नागराजू सार्वजनिक रूप से सुधा को पीट रहा है और लात मार रहा है। नागराजू और सुधा दोनों ही सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी से हैं और लोकल जनभूमि कमेटी के सदस्य भी हैं और ये लोग गांव के विकास का काम देख रहे हैं। घटना तब घटित हुई जब सुधा ने अपने घर के बाहर वाटर टैंक के निर्माण से आपत्ति जताई, क्योंकि असल में उसे सरपंच के घर के बाहर बनवाया जाना था। इस बात से नागराजू को गुस्सा आ गया और उसने सुधा को पीटना शुरू कर दिया। वीडियो में उसे सुधा को लात मारते हुए देखा जा सकता है। तो जहां देश भर में महिला सम्मान के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वहीं इस तरह की घटना बेहद ही शर्मनाक है। देखते रहिए डीबी लाइव।